हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल गुड। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 12th चैप्टर जो है सिंपल मशीन्स। अब मशीन्स के बारे में जानेंगे। मशीन्स क्या होती है? तो ऐसे डिवाइसेस जिसको हम यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाता है, या जो काम होता है वो कम समय में और कम मेहनत जो है किए हो जाता है, उसको हम मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे आपका नेल कटर हो गया, बॉटल ओपनर हो गया, व्हील जो हम यूज़ करते हैं लोड को पुश करने के लिए। जैसे देखो, यहाँ पे व्हील का यूज़ किया जा रहा है। अगर आप खुद इमेजिन करो, ये व्हील नहीं होता तो हमको पूरा धक्का लगाना पड़ता है ना। ये भी एक तरह का मशीन हो गया बच्चों, है ना। तो जिनमें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इनमें जो है एक या दो ही पार्ट होते हैं। यहाँ पे आपको जितना भी जो फिगर दिख रहा है, यहाँ पे जो है जितने भी आपको जहाँ पे अलग अलग मशीन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक या दो ही पार्ट होता है। ऐसे मशीन को हम सिंपल मशीन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल मशीन को आप एकदम आराम से हैंडल कर सकते हो, मतलब यहाँ वहाँ लेके आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि जो मशीनें वो टूटें या डैमेज हो, है ना। और हम वैसे बहुत सारी मशीनें वैसे सिंपल मशीनें काफ़ी, मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डेली हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब ये जो मशीन होती है, इनमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो बहुत सारे प्रोसेस कैरी आउट करती है अपने काम को पूरा करने के लिए। अब जो पर्पज़ होते हैं, ठीक है, और इन्हीं कुछ पर्पज़ के लिए जो पार्ट्स है जॉइन किए जाते हैं, इस वजह से इन मशीन को कॉम्प्लेक्स मशीन बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके अलग अलग प्रकार की मशीन है, लेकिन ये थोड़े कॉम्प्लेक्स मशीन है, सिंपल मशीन में नहीं आते हैं। इनके कुछ पार्ट जो है ऐसे होते हैं जो एक्चुअली सिंपल मशीन ही है, लेकिन जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स मशीन का कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम सिंपल कॉम्प्लेक्स मशीन पर डिपेंडेंट रहते हैं, ताकि जो हमारा काम है वो आसानी से हो जाए, है ना, जो टाइम और एफर्ट्स है वो थोड़ा कम लगे। अब जो है कुछ और सिंपल मशीन के बारे में पढ़ते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन, एक बहुत हैवी ड्रम था जिसको ट्रक पे लोड करना था। रवि ने एक प्लैंक चूज़ किया और हमिद ने चूज़ किया कि मैं भी प्लैंक करूँगा। ठीक है, मतलब रवि ने प्लैंक ए चूज़ किया और हमिद ने प्लैंक बी चूज़ किया। और वहीं पर जो रही था, रही ने किसी भी प्लैंक का यूज़ नहीं किया। तो आप खुद बताओ कि पहले जो, मतलब जो ड्रम है वो सबसे ज़्यादा वज़न किसको लगेगा, उसके बाद दूसरा वो सबसे ज़्यादा हल्का किसको लगेगा। ठीक है, और उसके बाद विच वन ऑफ दी प्लैंक एन ए एंड बी इज लॉन्गर। तो अब बताओ, ए और बी का जो प्लैंक है, ये देखो, ये वाला और ये वाला, लंबा कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला, ए वाला। स्टीपर का स्लोप, स्टीपर स्लोप किसका है? बी का है। ठीक है, अब इससे आप कंक्लूड क्या कर सकते हो? तो बच्चों ध्यान देना, आप खुद देख के समझ गए रहोगे। अगर एक स्लैंडिंग प्लेन का प्लैंक का हम यूज़ करते हैं वेट को लिफ्ट करने के लिए, तो हमको कम थोड़ा ये लगाना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू बियर लेस ऑफ दी वेट एंड लिफ्टिंग इट बिकम्स ईजियर। तो हमको ज़्यादा दम नहीं लगाना पड़ता है, आराम से हो जाता है वो। वैसे प्लैंक को हम इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो जितना स्लोप ग्रेजुअल होगा ना, उतना हमको कम वेट झेलना पड़ेगा। ग्रेजुअल स्लोप का मतलब दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऐसा स्लोप जितना होगा ना, उतना हमको कम मेहनत करना पड़ेगा। और वहीं पे अगर बहुत छोटा इंक्लाइन प्लेन होगा तो हमको ज़्यादा वेट बियर करना पड़ेगा, जैसा इसका है। देखो, छोटा है ना प्लेन, छोटा है, इस वजह से इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और जिनके पास है ही नहीं, तो उनको तो भाई बहुत ग्रेटर वेट, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना, मतलब इनको उठा के इस पर रखना पड़ेगा। अब समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से जो सिंपल मशीन्स होते हैं वो हमारे काम को काफ़ी आसान बना देते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे कुछ ये है एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। एक ट्रायंगुलर पीस आपको कट करना है, ट्रायंगुलर पीस ऑफ पेपर एबीसी, एक रेड लाइन ड्रॉ कर देनी है एच के हिसाब से, मतलब एच एसी जो है उसके बाजू से आपको एक रेड लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और जो डिसेंड करता है फ्रॉम ए टू सी। अब जो थ्रेड है स्क्रू में, जो थ्रेड है आपका स्क्रू में, उसको क्या करना है आपको, उसको जो है सेम वे में ये करना है आपको बनाना, जो बना हुआ है। इस वजह से जो आपका स्क्रू है, व्हेन अ स्क्रू इज़ फिटेड इन वुड, जब वुड में उसको फिट किया जाता है वो अंदर चले जाता है। इट गोज़ इन एज इफ इट इज़ गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो एकदम आराम से अंदर चले जाता है, जैसे वो किसी इंक्लाइन प्लेन पे जा रहा है। इस वजह से कम फोर्स लगता है एक स्क्रू को फिट करने के लिए दैन टू हैमर अ नेल। तो स्क्रू जो है आराम से फिट हो जाता है, लेकिन वहीं अगर नेल जो खिल्ला होता है, देखो अगर उन खिल्ले को जो है उस दीवार पे या कहीं पे भी वुड वगैरह पे लगाते हैं, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन अदर वर्ड, जो स्क्रू है वो एक रोल्ड अप इंक्लाइंड प्लेन की तरह है जो आयरन स्ट्रिप से बना होता है। वैसे ही एक वाइंडिंग रोड या जो घाट होती है जो माउंटेन की तरफ जाती है, वो भी एक इंक्लाइंड प्लेन की तरह है,
है ना, जो माउंटेन से मतलब एक तरीके से रैप्ड आउट है माउंटेन के आजू बाजू में, तो वो हमको व्हीकल को, वो एक तरीके से व्हीकल को हेल्प करती है माउंटेन चढ़ने के लिए। ठीक है, अब मैं पास की कुछ एक्टिविटी बताना चाहूँगा। पहले एक ग्रीक साइंटिस्ट हुआ करते थे आर्किमिडीज, उन्होंने एक मशीन इन्वेंट की थी जो पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। इस वजह से इसको बोला जाता है आर्किमिडीज स्क्रू। इसका यूज़ किया गया था पानी को लिफ्ट करने के लिए फ्रॉम दी होल्ड ऑफ अ शिप। और आर्किमिडीज ने एक पाइप यूज़ किया था, राउंड पाइप यूज़ किया था जो एक रॉड से फिट था। ठीक है, जो एक रॉड से फिट था, और जो पाइप था वो 45 डिग्री के एंगल पे रखा गया था एक एंड पे इनसाइड दी वाटर, और जो रॉड था वो रेस्ट कर रहा था अपना किस पे, एक फ्लैट सरफेस पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब रॉड को जो है टर्न किया गया तो वाटर जो है लिफ्ट हो गया इस डिवाइस से। इस प्रकार पहले जो है मतलब ये आर्किमिडीज ने, काफ़ी पुरानी बात है, ये मशीन का इस्तेमाल किया था, इन्वेंट किया था। अभी वेज की बात करते हैं, हम एक एक्स को यूज़ करते हैं, एक्स पता है ना आपको, ये देखो दिख रहा है आपको, इसको यूज़ करते हैं वुड को काटने के लिए, है ना। एक शार्प टूल जो बनता है दो इंक्लाइंड प्लेन को ज्वाइन करने के बाद, उस टूल को हम क्या बोलते हैं, वेज। ठीक है, आ शार्प टूल विच इज़ फॉर्म्ड ऑन ज्वाइनिंग टू इंक्लाइंड प्लेन्स, सच अ टूल इज कॉल्ड अ वेज। उसको हम क्या बोलते हैं, वेज, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम वेज बोलते हैं। ओके, अ वेज इज यूज, अ वेज इन यूज फॉर ब्रेकिंग एन ऑब्जेक्ट इन टू टू पीसेज और टू सेपरेट ऑब्जेक्ट स्टक टुगेदर। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो दो चिपके हुए ऑब्जेक्ट हो उनको अलग करना है या और कुछ करना है। एन एक्स आ नाइफ और अ चिशुला सम एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन, ऑफ दिस सिंपल मशीन, मतलब वेजेस के एग्जाम्पल ही है। ठीक है, और एक जो निडल होता है, जो नेल होता है, वो भी क्या है, एक प्रकार है आपके वेजेस के, है ना। ये सभी निडल जो है हमको चाहिए होता है कपड़ा सिलने के लिए, नाइफ चाहिए होता है फ्रूट को काटने के लिए, है ना। और हाँ, अगर एक सवाल भी है यहाँ से, अगर जो निडल का टिप है या जो एज है नाइफ की वो ब्लंट हो जाए, मतलब उसका धार कम हो जाए, तो जो निडल है वो तो पेनिट्रेट नहीं करेगा क्लोथ में, और नाइफ जो है फ्रूट को कट नहीं करेगा, क्यों है ऐसा, तो आपको इसका आंसर देना है लीवर। एक जो फार्मर होता है वो बहुत बार जो है स्ट्रॉन्ग क्रो बार को यूज़ करता है बड़े पत्थर को एक तरीके से रिमूव करने के लिए, कभी कभी जो उसके फार्म में फंस जाता है, उस वैसे मशीन को हम क्या बोलते हैं, लीवर। दिख रहा है आपको ये यहाँ पे, ओके। और लीवर के पास जो है 3 पार्ट होते हैं, जिसका जिसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट, लोड और फल्क्रम। एफर्ट, लोड और फल्क्रम। अब जो सपोर्ट होता है एट विच द रोड ऑफ अ लीवर इज रेस्टेड इज कॉल्ड द फल्क्रम ऑफ अ लीवर। तो जहाँ पे जो रॉड होता है लीवर का रेस्ट करता है उसको हम फल्क्रम बोलते हैं, ओके। और जहाँ से लीवर रोटेट होता है उसको हम फल्क्रम बोलते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। जहाँ से वेट लिफ्ट होता है, द वेट लिफ्टेड बाय लीवर और द फोर्स अगेंस्ट विच द लीवर एक्ट इज कॉल्ड द लोड। जहाँ पे वो एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोड। और जो आर्म होता है लीवर का फ्रॉम द फल्क्रम टू द लोड उसको हम बोलते हैं लोड आर्म, ओके। अब जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम दूसरे एंड पे रॉड पे, तो उस लोड को लिफ्ट करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट। जैसे अभी ये भाई यहाँ पे मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो इसको हम एफर्ट बोलेंगे। तो जो पार्ट है लीवर का फल्क्रम टू दी एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट आर्म, ओके। फल्क्रम से जो एफर्ट आर्म तक का जो पूरा पार्ट है उसको हम एफर्ट आर्म बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, ये देखो यहाँ पे, लिफ्टिंग अ पेपर वेट। एक पेपर वेट को कैसे लिफ्ट किया जाए, एक पेंसिल नीचे रख दो, एक रूलर रख दो, और प्लेस अ रूलर ऑन इट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे आपको रूलर रख देना है। एक पेपर वेट रखना है एक तरफ रूलर के, और दूसरा तरफ आपको आपके फिंगर से प्रेस करना है वो वेट को लिफ्ट करने के लिए, है ना। तो आपको बताना है लोड आर्म क्या है, एफर्ट आर्म क्या है, फल्क्रम क्या है इस लीवर का। तो लोड क्या है आपका, ये है, ओके। एफर्ट आप यहाँ से लगा रहे हो, फल्क्रम आपका ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करते जाना है बिटवीन दी पेपर वेट एंड दी पेंसिल बाय 4 सेंटीमीटर्स एवरी टाइम, एंड सी वेदर द पेपर वेट कैन बी लिफ्टेड व्हेन प्लेस्ड एट ईच ऑफ दोज डिस्टेंस। तो आपको ये करना है, तो जैसे जैसे एफर्ट आर्म लंबा होते जाता है और कंपेयर टू द लोड आर्म, तो जो कम से कम फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ता है पेपर वेट को लिफ्ट करने के लिए। और ऐसे लीवर को हम क्या बोलते हैं, लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं, लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, ओके। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूविंग द लिड, यहाँ पे भी वही चीज़ का यूज़ किया जा रहा है लीवर का, लीवर आप समझ सकते हो। यहाँ पे ये एफर्ट लगा रहे हैं हाथ से, ठीक है, ये क्या है, लोड दिया जा रहा है यहाँ से, और ये आपका फलक्रम जो निकालने की कोशिश कर रहा है। वैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हाथ से एफर्ट लगा रहे हैं, ये आपका फलक्रम है, यहाँ पे लोड को हम उठा रहे हैं,
तो जो वेट या जो लोड होता है वो एक तरफ होता है टोंग्स के, हम एफर्ट अप्लाई करते हैं जैसा मैंने बताया आपको और इसको यूज़ करते हैं। तो तीन प्रकार के लीवर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द एफर्ट। एफर्ट जो होता है जहाँ से एफर्ट लगाते हैं उसके पोजीशन के हिसाब से तीन प्रकार के लीवर होते हैं, ठीक है, द फल्क्रम एंड द लोड। तो पहला लेवल ऑफ लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा लीवर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, तीसरा लीवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर। जो फल्क्रम होता है वो सेंटर में रहता है, जो लोड है वो एक तरफ रहता है, जो एफर्ट है वो दूसरी तरफ रहता है। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है, जो लोड है वो सेंटर की तरफ रहता है, फल्क्रम एक साइड की तरफ रहता है, एफर्ट दूसरे साइड की तरफ रहता है। तीसरे ऑर्डर में क्या होता है, जो लीवर में जो एफर्ट है वो सेंटर में रहता है, जो फल्क्रम है वो एक साइड रहता है और जो लोड है वो दूसरे साइड रहता है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर पुल्ली की बात हो रही है। अब पुल्ली क्या होता है आपका, तो एक ऐसा डिवाइस जिससे आप जो है एक ऐसा डिवाइस जिसके पास एक ग्रूव्ड व्हील हो और थ्रेड हो, जो एंड थ्रेड डिजाइंड जिससे आप कुछ वेट जो है एक तरीके से उठा सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पुल्ली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है आपका, ये पुल्ली है ना। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वेट उठा पा रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, हमारा पुल्ली है। तो कैसे ये पुल्ली हमको हेल्प करता है, तो हम पुल्ली यूज़ करते हैं ताकि फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई की जाए लिफ्टिंग करने के लिए, कोई भी वजन उठाने के लिए ऊपर की दिशा में। और ये काफ़ी कन्वीनियंट और इजी भी होता है। अब यहाँ पे देखते हो व्हील एंड एक्सल, और व्हील एंड एक्सल, तो जो जॉइंट व्हील फिटेड होती है रॉड पे टू अ रॉड एट सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सल। अब जब एक्सल स्टार्ट करता है घूमना, ठीक है, जब एक्सल स्टार्ट करता है घूमना, आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी एक जॉइंट व्हील है, दिख रहा है जॉइंट व्हील। ये जो जॉइंट व्हील होता है इज फिटेड टू अ रॉड, एक रॉड भी फिटेड रहता है एट सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बीच में एक रॉड होगा, आपको क्या पता क्लीन दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये रॉड, ठीक है। दिस रॉड इज कॉल्ड एन एक्सल, इसको हम एक्सल बोलते हैं। अब जब एक्सल घूमना स्टार्ट करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो व्हील इस एक्सल से पूरा जुड़ा हुआ है वो भी घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सल और व्हील के, सिंपल मशीन। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। अब मेंटेनेंस ऑफ मशीन की बात करते हैं। अब बहुत सारे पार्ट मशीन के ऐसे होते हैं, वो रब करते हैं ना एक दूसरे के अगेंस्ट जब उनको यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो रब होते हैं, जब भी आप उसको यूज़ करो वो रब होते हैं। तो जो सॉइल या जो डस्टी पार्ट है वो ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करता है, तो कुछ पार्ट अफेक्ट हो जाता है वेदर की वजह से, रश की वजह से इरोड हो जाता है, मशीन जो है डैमेज हो जाता है या फिर वो यूज़लेस हो जाता है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते उस वेयर और टेयर की वजह से। इसको अवॉइड करने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप अपने मशीन का ध्यान रखें। और जब भी मशीन की मेंटेनेंस की जाती है, सारे उसके पार्ट्स को क्लीन किया जाता है, ऑयल लुब्रिकेंट लगाया जाता है बिटवीन पार्ट्स दैट रब अगेंस्ट ईच अदर, और इस वजह से ये किया जाता है ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम रहे उनके बीच और जो वेयरिंग है वो कम हो जाए। और मशीन जो है काफ़ी मशीन्स को कवर किया जाता है इसमें, और ताकि डस्ट वगैरह मतलब बैठे ना वहाँ पे, या जो वेदर है उसका कोई इफेक्ट ना दिखे। मेटेलिक पार्ट्स जो मशीन में होते हैं उनको प्रॉपरली पेंट किया जाए, मशीन्स को हमेशा सूखा रखा जाए। और यहाँ पे मैं कुछ और बताना चाहूँगा आपको, जो बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं उनके पास सेपरेट डिपार्टमेंट होते हैं मशीन के मेंटेनेंस के लिए, और फैक्ट्रीज़ जो है रेगुलर फिक्स पीरियड में क्लोज भी रहती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मशीन, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हम कहाँ पे आ गए, जस्ट वन मिनट, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मशीन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया तो वो किसी काम के नहीं रह जाएंगी जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी हम मशीन को पहले यूज़ करते पहले हमको उसको हैंडल करना आना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो हमने क्या क्या सीखा, पहले हमने जाना कि मशीन जो है मशीन को यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो मेहनत है जो एफर्ट्स है वो कम लगे, काम जो है जल्दी हो जाए, कम समय में हो जाए। उसके बाद कुछ मशीन सिंपल मशीन भी होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो वेज लीवर इंक्लाइन प्लेन पुल्ली और जो व्हील है, ये जो एक्सल है ये क्या है, सिंपल मशीन है। तीन प्रकार के जो है लीवर होते हैं अपने पोजीशन के हिसाब से, बेस्ड ऑन दी पोजीशन ऑफ एफर्ट लोड एंड फल्क्रम। और मशीन को हमको हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए ताकि वो अच्छी कंडीशन में काम करते रहे। तो बच्चों ये था आपका पूरा वीडियो, आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ दूसरे टॉपिक के बारे में। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।